मेरे लड़के के जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुई हाँ, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास जेवर थे जैसे कान के, तो उसको बेच के हमने फीस भरा। इतना मजबूरी करके पढ़ाए। हाँ मैम, अच्छे समझता इस बात को, अच्छे समझता है मेरे, यही तो खुशी है। कुछ मेरे सपने यही है मैम कि मेरे बच्चे जैसे जिस लाइन में मैं हूँ उस वैसा वो ना रहे, सक्सेस करे, कोई अच्छा पोस्ट पाए, अच्छे पैसे कमाए, यही चाहती हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि अब मैं खुद पे निर्भर हूँ, खुद पे निर्भर हूँ, स्वयं आत्मनिर्भर हूँ, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। दो तीन जगह से हमने सैलून का ट्रेनिंग लिया था। चलो आप छोटा मोटा, हमने सोचा घर में बैठ के क्या करेंगे, तो हमने स्टार्टिंग में हमने क्या किया, 350 350 लेके हम इस काम में शुरू किए थे। हम तो 350 में स्टार्टिंग किया। क्या लिया हमने, एक थ्रेड लिया और एक पाउडर लिया, एक छोटा सा फेशियल किट ली, छोटा सा एक ब्लीच ली, और उससे हमने ये प्रोग्रेस किया। घर से हमने कई हस्बैंड से ना मदद ली ना कुछ, मतलब ऐसे हमने इतना दुकान को आगे बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया। ये मेरा बड़े बेटी से प्रेरणा मिला है, जो मम्मी पहले मैं बाइंग हाउस में जॉब करती थी शुरू में, शादी से पहले भी। अब जब हमने बच्चा है, आगे हमारा घर को देखने वाला कोई है नहीं है, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा काम जो है, मेरा बेटी ने बोला माँ आप पार्लर का ट्रेनिंग लो। मैं क्या, मेरे से नहीं होगा? नहीं माँ आप जाइए अपने लिए कीजिए कुछ। क्या नहीं मेरे से नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने बच्चे ने मेरे को हेल्प किया, मदद किया, जब मैं आगे बढ़ूँ, तो हमने उसका बात से हमने आगे चले गए और मैं ट्रेनिंग ली। जब मैंने देखा, मैं तो सीख ली, लेकिन दुकानदारी ये सब जो है ना, ये हमारे घर में कोई करते नहीं है, तो हमने ये सोचा जो यहाँ पे कौन देख रहा है हमें, इतना कर लेते, तो आगे हम करते गए और कस्टमर बढ़ते गया। मैं एकदम टूट सी गई थी बाद में, जो मेरे मतलब पति पे डिपेंडेंट थी मैं, जो उनको पैसा मुझे मिलेगा तब मतलब मांगना, खैर उन्होंने वो तो दे देते हैं पैसा, लेकिन मुझे अपने आप से थोड़ा कुछ अजीब सा फील हो रहा था। आज 12-13 साल हो गया मैं हस्बैंड से एक पैसा नहीं ली। 25 साल की थी और मेरा बेटा 3 साल का था जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए। अभी मेरा बेटा 18 साल का हो गया है। प्रभावित हम बहुत तरह से किया, मेरे पास एक छोटा बच्चा था, छोटी फैमिली, मतलब सास थी, ससुर थे, बहुत तरीके से प्रभावित हुआ। मतलब कुछ दुख भी गए, कुछ सुख भी गए, बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। जब सब करने वाले हो गए, घर में दो परिवार बढ़ गए, तो अब मेरी थोड़ी टेंशन, फिर भी अभी है कि अभी बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए भी मुझे सोचना करना ही करना। मेरा परिवार ने मेरे को बहुत साथ दिया। सबसे पहले तो मेरी सास ने मेरा साथ दिया, मुझे यहाँ पे पढ़ाया भी, और मेरे को जब मैं यहाँ का ये काम करती थी, घर का सारा काम वो संभालती थी, तो मैं इस काम को करती थी, वो साथ दिया। और मेरी फैमिली में लगभग मेरे परिवार ने पूरा साथ दिया, सही है, तभी शायद मैं कुछ कर पाई। ये तो कहाँ कर पाती, एक ही चीज़ आदमी कर पाता एक टाइम में। उस समय ये लगता था कि मैं कैसे अपना जीवन चला पाऊँगी, एक बच्चा है, खुद हूँ, कैसे मैं क्या कर पाऊँगी। लेकिन धीरे 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 मेहनत करते करते, सवेरे बैठती थी काम हम करके, सवेरे बैठती थी सिलाई करने, कभी कभी मुझे 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, ना आराम का होश रहता था, ना खाने का होश रहता था। लेकिन धीरे 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 अब तो काफ़ी चेंज हो गया। मैं जब से मैंने ये काम करना शुरू किया, सबसे पहले तो मेरी खुद की पहचान बन गई, मुझे इस कैंप में सब जानने लगे, जैसे मैं भाभी थी तो सब सिलाई वाली भाभी, सिलाई वाली भाभी के नाम से मेरा नाम फेमस हो गया इस तरीके से। मैं ऐसा तो मतलब मैं इसमें मैं साथ नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि सुबह उठना कि भाई बिना चले और बिना करे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, करना तो है ही। दीदी मैं पढ़ी लिखी नहीं, ना मेरा आदमी पढ़े लिखे, लेकिन मैं चाहती हूँ बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, क्योंकि बच्चे आज जो मैं संघर्ष से करी जिंदगी जी रही हूँ, इस संघर्ष से मेरे बच्चे ना, इसलिए मैंने बच्चों को सबको पढ़ाया, पांचों बच्चों को पढ़ाया। आज भी कभी कभी लड़ाई होती है, यही बोलती हूँ
ऐसा काम करो घर से चले जाओ या मर जाओ तो जी लूंगी भाई, बच्चों के लिए फिर भी तो एक बार खुशी से जी लूंगी, दो चार दिन रो कम से कम, ये तो हो जाएगा कि मैं भाई बच्चों के लिए फिर कर लूंगी, अब तुम्हारी इन टेंशनों को झेलूंगी, बच्चों को झेलूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ये उनको नेक्स्ट टेंशन होता है, वो तो पी के बढ़ जाता है, मैं किसके पास जाऊँ बोलने के लिए, मेरे पास तो कोई नहीं, हथियार तो यही है जो बच्चों के लिए जीना, बच्चों के भी विश्वास में छोड़ नहीं सकती, बच्चों के भी इनके विश्वास में छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इनकी आदत शुरू से पता है कि ये गुस्से में दिन कर लेंगे, मारेंगे पीटेंगे, क्या करेंगे। आज मैं भी सुबह खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी कि भाई कमाती थी तो खाती थी, खाऊंगी नहीं तो जिम्मी कैसे, कभी कभी ऐसा भी दिन आते थे दो दिन तीन दिन भूखा रही। दाल रोटी पर भी आफत आ गया था, दोसा बिल्कुल नहीं काम चल रहा था, एकदम बिल्कुल ठप हो गया, बच्चे भी पालना मुश्किल है, अरे अब तो थोड़ा बहुत मतलब कि जब ये बंद हुआ तो थोड़ा बहुत हल्का हल्का चल रहा। इतनी गर्मी थी मैं एक लाइट एक पंखा, और दिन में भी वो लोग लाइट नहीं देते थे, नीचे भी बोलती थी अपने परिवार को कि लाइट के लिए, तो उन्होंने बोला अभी पैसे नहीं, ऐसी कंडीशन थी हमारे पास, पैसे भी नहीं थे और मैं निकलती भी नहीं थी घर से, ऐसा हो गया था कि मैं कहाँ जाऊँ, मम्मी को बोलूँ कि मम्मी को भी मैं कुछ नहीं बताती कि मम्मी ऐसे ऐसे हाल है हम लोगों का, ऐसे ऐसे करते करते मुझे तीन साल हो गए ऐसे, मतलब अंधेरे में मैं रोती भी थी कि पता नहीं कैसे घर में मेरे माँ बाप ने शादी कर दी, हस्बैंड भी है वो भी किसी को कुछ नहीं बोलते, बस काम पे जाते हैं, काम पे से आते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं खा पी के। हम मैं बिहार से हूँ वैसे तो शुरू में मतलब शादी होती है ना तो घर बोलते हैं कि मतलब किसी से मतलब ज़्यादा मत बोलना, कोई बोले तो पलट के जवाब मत देना, घर से ज़्यादा मत निकलना, जैसे पहले तुम लड़की थी अब नहीं हो, मतलब ऐसे ऐसे बोल सिखा के भेजा था, लड़ाई मत करना किसी से, ये सब बोला मुझे। लेकिन फिर यहाँ आई तो क्योंकि जब यहाँ आई वहाँ से गाड़ी पे आई थी मैं, तो पहले तो इतना था मतलब जब इनका एरिया यहाँ पे आया ना तो अब यहाँ इतना कर दिया मुझे यहाँ पे, तो फिर ये समझ में आया कि बहू ऐसे ही रहती है, और मतलब बोला भी कि घर से नहीं निकलते हैं बहू घर में ही रहते, और लोगों को भी देखा मेरे इधर शादी करके आई थी लड़कियाँ तो घर से निकालते नहीं थे, और क्योंकि लेडीज सब मतलब ऐसे होते हैं ना कि दो दिन लेडीज ऐसे बैठ जाती है कि इसकी बहू ऐसे, ऐसा मैंने सुन रखा था पहले, तो इसलिए मुझे भी डर था कि मतलब कि अगर मैं निकलूंगी तो इनको बोलेंगे, इनके इज्जत पे थोड़ा वो होगा कि हाँ इसकी बहू ऐसी है या इसकी बीवी ऐसी है, इस वजह से मुझे डर था कि मेरे वजह से कहीं इनको ना कोई कुछ बोले। डेरी पे भैंस सारे मर गई, काम तो धंधा बंद हो गया, 10 भैंसे मर गई, 10 भैंस भी मर गई, 10 लाख रुपया कर्जा भी हो गया, 1 साल से पति भी बीमार पड़ा है, घर के रोटी चलना बाहर हो गया, न चल पाओ न फिर पाओ, वो भी खाते बैठा रहा था, मेरा भी तबीयत खराब रहती, मेरी भी पथरी हो गई, मैं भी कुछ नहीं कर पाती, लड़की के पथरी हो गई वो भी नहीं कुछ कर पाती, घर के तो रोजी रोटी चलना ही शायद मुश्किल है, शायद मकान बना उसके कर्जा 20 लाख रुपया कर्जा लग गया सबको, अब घर के रोजी रोटी रोजी चलना मुश्किल गुजर रहा है शायद।